भारतीय राजनीति में महिलाएं हमेशा निर्णायक भूमिका में नजर आई हैं और सियासत के दावपेच को भी बखूबी समझती हैं। आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी की, जो काफ़ी कम समय में देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। खासतौर से देखें तो आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका होगा कि दिल्ली में फूड इंडिया का आपने आयोजन किया गया। किस तरह की का कंसेप्ट है, इसके पीछे आपकी क्या सोच और मकसद है? देखिए, 3 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को एग्रीकल्चर से अलग किया और इसको एक अलग फोकस दिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर का जब हिस्सा होता था तो इतना एग्रीकल्चर का टॉपिक इतना बड़ा है कि प्रसंस्करण जितना आज देश में कितना बड़ा योगदान डाल सकता है, इसकी तरफ शायद पूरा ध्यान पिछले समय में नहीं दिया गया। जो हमारा प्रोडक्शन है वो दुनिया के इतना बड़े अमाउंट में होता है और हमारी कंजम्पशन भी इतनी बड़ी अमाउंट में होती है, लेकिन जो हमारा प्रसंस्करण प्रोसेसिंग है वो सिर्फ 10% होता है और छोटे छोटे देश मलेशिया इंडोनेशिया जैसे वो 70-80% अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि क्योंकि प्रोसेसिंग लेवल बहुत लो होती है, जिस करके आज हमारे देश में फूड वेस्टेज भी बहुत बड़े तादाद पे होती है। तो जिस देश की आबादी 125 करोड़ की आबादी हो, जहाँ इतना ज़्यादा किसान मेहनत करके खाद्यान्न उगा रहा है, उसी देश में कई लोगों को पेट भर खाना ना मिलता हो और फिर इतनी सारी बर्बादी हो, तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। और मैं समझती हूँ इसका बहुत बड़ा कारण था कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग जो कम होती थी, स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ कम है, प्रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ कम है, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ कम है, जिस करके ये बर्बादी ज़्यादा होती है। नहीं, ऐसे हालात में अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने खुद फूड वेस्टेज को लेकर, क्योंकि उनका खुद का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक प्लान बनाया जाए ताकि जो फूड वेस्टेज का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखे, तो क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से जो प्रधानमंत्री का खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा? जी, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट फिक्स किया है कि 2022 तक हमने किसान की आय को दुगना करना है, आज से पहले बहुत सारी बातें होती थी लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ किसान मेहनत कर रहा है और पैदावार कर रहा है, लेकिन उसके हालात में बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जहाँ मौसम की मार पड़ती है, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई के कारण उसको जैसे कीमतें मिलनी चाहिए, उसको रखाव की जैसी सहूलतें मिलनी चाहिए, इन सब के कारण किसान के हालात दुर्दशा की तरफ थे, ना कि जिस करके प्रधानमंत्री जी ने एक निशाना बनाया कि मैं 2022 तक हमको अपनी किसान की आयु को दुगना करना है। और इसको दुगना करने के लिए कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है, बहुत सारे अच्छे उन्होंने कदम, पहली बार एक किसान फसल बीमा योजना एक ऐसी बनी जिसमें सबसे कम आपको प्रीमियम डालना और जितना मर्जी आप उसका अनलिमिटेड जितने का आप अपना करना चाहते हैं इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। पहले इन सब चीज़ों में कैप होता था, ये सबसे कम 1.5-2% आप प्रीमियम दीजिए और 40,000 रुपये एकड़ जितना मर्जी आपने एकड़ पर एकड़ करना आप वो भी करा सकते हैं। चाहे आप सॉयल हेल्थ कार्ड को देख लीजिए, चाहे आप नीम कोटेड यूरिया देख लीजिए, चाहे आप कृषि सिंचाई योजना जहाँ पे हर खेत को पानी मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जहाँ बहुत सारी चेंजेस प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, लेकिन कई चीज़ों को इकट्ठे चलना चाहिए। जब एग्रीकल्चर अपना काम कर रहा है वहाँ पे वो किसान उगाए वो सब होए लेकिन उसकी बर्बादी होती रही तो फिर भी उसकी आय, जिससे मेरा निशाना है कि अगले 3-4 साल में जो हमारी आज प्रोसेसिंग 10% है ये 20% से आगे होके जाएगी, क्योंकि हमारे मंत्रालय की तरफ से ये 6,000 करोड़ की संपदा स्कीम को ही जो अलग से ले लें तो ये तकरीबन 31,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट इस 6,000 करोड़ करके आएगा। इस 6,000 करोड़ से कम 20 लाख किसानों का फायदा होएगा और कम से कम 5 लाख नौजवानों को इन यूनिट्स में रोजगार मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि जब ये सब करना चाहते हैं क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां विदेशी पैसों से हमारे स्वदेशी किसानों का भला हो सके। और वर्ल्ड फूड इंडिया एक सबसे बड़ा ये मेगा इवेंट पहली बार इतिहास में यहाँ पे 3, 4, 5 नवंबर दिल्ली में राजपथ के मैदान में वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जहाँ दुनिया के सारे बड़े देश आके वहाँ पे शोकेस करेंगे, हमारे देश के सारे स्टेट्स वहाँ पे शोकेस करेंगे कि हमारी स्टेटों में
क्या उगता है, हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम किस चीज़ में टाई अप चाहते हैं। हमें याद है कि आपके मंत्रालय ने एक कार्यक्रम भी बनाया था खासतौर से आम लोगों को देखते हुए कि डोमेस्टिक फूड आइटम है उसमें FDI 100% हो ताकि एक मजबूत प्लेटफॉर्म खड़ा हो रोजगार के लिए। क्या लगता है कि उस प्रोसेस में आप पिछले 3 वर्षों में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं? जी, जब ये मांग करी थी प्रधानमंत्री जी से कि FDI आप फूड रिटेल में जल्दी से जल्दी अलाउ कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा भला होगा, जो वेस्टेज होती है वो भी कम होगी, और ये बड़े मार्केट जब क्रिएट हो जाएंगे तो एक तो बढ़ती हुई आबादी की डिमांड को फीड करेंगे और दूसरे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी वेस्टेज घटेगी और किसानों का भी भला होगा। और इसका देखा है कि पिछले साल बजट में ऐलान किया गया था और पिछले साल से इस साल में ही 40% इंक्रीज़ हुआ है, 40% का FDI में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ है। अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां जो ई रिटेल में होती थी, ये अब फूड रिटेल में, ब्रिक एंड मोटर में भी आ रही है और फूड रिटेल में भी पड़ रही हैं। बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, मेट्रो हो गया, कई सारी ऐसी बड़ी कंपनीज़ ने अब फूड रिटेल में इन्वेस्टमेंट, तो जैसे मैंने कहा कि पिछले साल से इस साल में 40% का बढ़ोतरी हुई, और ये साल तो अभी ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन पहले 2-3 महीनों में तकरीबन $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है FDI में, फूड रिटेल, फूड सेक्टर में, प्रोसेसिंग में। और मेरा अंदाज़ा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया के बाद ये कई गुना और आने वाले सालों में बढ़ने लगी है। अगर हम मेजर अचीवमेंट की बात करें पिछले 3 वर्षों का, जो UPA पार्ट 2 की सरकार ने सोचा हो, उनकी प्लानिंग हो, लेकिन धरातल पर नहीं दिख पाया हो, क्या आपने वो उस तर्ज पर आपने जो कार्य किया है, क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जो पिछले 3 वर्षों में जो UPA पार्ट 2 के कार्यकाल में नहीं हुआ उसे आपने धरातल पर लाया? जी, तो मैं आपको जे एक उदाहरण के तौर पे मैं दूं कि जैसे हमारी मेगा फूड पार्क की जो स्कीम है, ये 2008 में UPA ने, सरकार ने लागू करी थी, और एक मेगा फूड पार्क को बनने के लिए 2 साल 24 महीने में तैयार होके ऑपरेशनलाइज हो जाना चाहिए। इन्होंने 2008 से लेके 2010 तक इन्होंने 42 मेगा फूड पार्क अलॉट कर दिए, लेकिन 2008 से लेके 2014 तक जब हमारी सरकार बनी, वो 42 में से केवल 2 ऑपरेशनलाइज हुए इनके 6 सालों में, 2 साल में सब हो जाने चाहिए। तो हमने 2014 में जब टेक ओवर किया तो जो इन्होंने 6 साल में केवल 2 किए थे, हमने 2 साल में 6 चालू कर दिए, और आज तीसरे साल तक हमारे तकरीबन 12 ऑपरेशनलाइज हैं, 9 ऑपरेशनलाइज हो गए, 3 तैयार हैं जो मुझे इसी एक आधे महीने में इनॉग्रेट कर देना है, तो वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाए। और हमारा निशाना कि ये 24 महीने के अंदर जितने 42 के 42 सारे ऑपरेशनलाइज होके देश के निर्माण के लिए, किसान के भले के लिए इधर सारा कामकाज शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही कोल्ड चेन्स में भी देखें तो इन्होंने 100 कोल्ड चेन्स अलॉट किए थे, एक कोल्ड चेन को 18 महीने या 24 महीने लगने चाहिए, 2010 से लेके 2014 तक केवल 30 चल पाए थे, हमने 2014 से लेके 6 महीने के अंदर पूरे 100 के 100 चालू कर दिए, 30 और अलॉट कर दिए, वो भी तकरीबन सारे तैयार, और 101 उसके बाद और अलॉट कर दिए हैं, और अभी 50 आगे और करेंगे, तो 2 साल के अंदर सारी कोल्ड चेनें भी हो जाएंगी और सारे मेगा फूड पार्क्स भी हो जाएंगे। ये भी देखा गया कि फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है खासतौर से सीधा लिंक्ड एग्रीकल्चर सेक्टर से है, क्या मानती हैं कि दोनों मंत्रालय के जो कार्य प्रणाली है, क्योंकि अगर देश की आबादी देखें तो तकरीबन 80% कृषि और कृषि से जुड़े कार्य प्रणाली पर निर्भर करते हैं, अगर दोनों मंत्रालय को ज्वाइंट कर दिया जाए तो क्या ये बेहतर परिणाम और दे पाएंगे? देखिए, पहले ये ज्वाइंट ही थे और एक मंत्री जब होते थे तो कृषि में इतने सारे, आप देखिए कितने सारे एग्रो प्रोड्यूस हैं, कितने सारे इश्यूज हैं, आपने यील्ड भी बढ़ानी है, आपने किसी बीमारी का भी करना है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कितने सारे इश्यूज होते हैं, उनकी रिसर्च, एक एक सब्जी की, एक फल की, हर एक चीज़ की रिसर्च करनी, दूध का अलग इतने सारे इश्यूज होते हैं, मछली पालन का अलग होता है, तो वो ऑलरेडी इतना ब्रॉड होता है कि इनके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री के बारे में भी सोचा जाए वो कहीं ना कहीं वो रुक जाता था। ये इंडस्ट्री चाहे छोटी हो लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे मैंने कहा ये सबसे हाईएस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होती है, और खास तौर पे औरतों के लिए, इसमें किसान को वैल्यू एडिशन करके आमदनी बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, फूड प्रोसेसिंग करके कंज्यूमर के लिए प्राइसेस इन कंट्रोल रखना भी बहुत बड़ा है। तो ये चाहे सेगमेंट छोटा हो, क्योंकि आज हम प्रोसेसिंग से 10% करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैं समझती हूँ 200 गुना होता है। अगर हम देखें तो
73 और 74 संशोधन के बाद सदन के अंदर पंचायत स्तर पर 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। आप इस मूवमेंट से भी लगातार जुड़ी रही हैं, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर एक कोहराम सा मचता है, वो बाहर वो तस्वीर नजर नहीं आती है। मेरा ख्याल सारा देश इसके पक्ष में है कि जब हमारी आबादी 50% है तो क्यों हमको रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज इश्यूज़ जो हैं औरतों के भी उतने ही इश्यूज़ हैं और औरतें उतनी ही कैपेबल भी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए और हम इसके पक्ष में हैं, इसके हक में हैं, और मुझे इस बात की